हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक विक्रिया के बारे में, ठीक है। तो मैं रासायनिक विक्रिया के कुछ उदाहरण दूंगी और हम उस उदाहरण से रासायनिक विक्रिया कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या बनता है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने ये भी बोला है कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक विक्रिया बोलते हैं। तो चलो इस चीज़ को हम और अच्छे से पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बच्चों, आप लोग के पेज नंबर 60 में मैग्नीशियम को जलाने से और फिर उससे क्या बनता है, उसको फिर जल के साथ मिलाने से किस तरीके का रासायनिक विक्रिया होता है, वही हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस भी वस्तु या सामान में मैग्नीशियम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो जैसे हम उसको आग के पास लेके आएंगे ना, उससे इस तरीके का ज्वाला निकलता है, ठीक है। तो मान लो जैसे मैग्नीशियम फीता हमने लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नीशियम फीता को हम लेंगे और उससे मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती के सामने लेके आएंगे, ठीक है, एकदम जलाना नहीं, ऐसे मोमबत्ती के सामने लेके आएंगे ना, तो उससे इस तरीके का ज्वाला निकलता है, ठीक है। तो इसे आप घर में मत कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। तो जैसे मैग्नीशियम फीता को हम मोमबत्ती के पास लेके आएंगे, मोमबत्ती के आग के पास, उस वहां से इस तरीके का ज्वाला निकलेगा, ठीक है। तो इसमें किस तरीके का रासायनिक विक्रिया होता है वो मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, इस फोटो में देखो, जैसे ही मैंने मैग्नीशियम फीता को आग के पास लेकर गई, तो मैग्नीशियम फीता से इस तरीके का ज्वाला निकलने लगा, ठीक है। और मैग्नीशियम फीता जलकर क्या बन गया, राख बन गया। जब हम पेपर को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो कैसे वहाँ से राख बनता है ना, तो मैग्नीशियम फीता भी क्या जल के राख बन गया, ठीक है। और उस राख में एक नया पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम फीता को आग के पास लेके गए, तो मैग्नीशियम जो था ना, हमारे आसपास सराउंडिंग में ऑक्सीजन रहता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल गया और उसने एक नया पदार्थ बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के जोलिए एक नतून पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करा हुए। परिवर्तनटि निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रकाश करा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और वो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम मैग्नीशियम फीता या फिर किसी भी वस्तु जिसमें मैग्नीशियम हो उसको आग के पास लेके जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो सराउंडिंग में होता है, और ऑक्सीजन के साथ मिल जाने के बाद वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, हमने क्या सीखा, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल के साथ मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनता है, और उस पदार्थ का क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाने से मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरीके का खार है, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैग्नीशियम का रासायनिक विक्रिया। तो बच्चों, जले संगे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिशाले मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड उत्पन्न है, ठीक है। ए परिवर्तनटि निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। तो जब भी हम पानी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, ठीक है, जल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, जो नया द्रव्य बनेगा उसमें कौन सा पदार्थ होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, ठीक है। तो ये नया पदार्थ उसमें उत्पन्न होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को मिलाने से एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ और तुम्हारा जल के साथ जो रासायनिक विक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हर रासायनिक विक्रिया में कौन सा नया पदार्थ उत्पन्न होता है वो भी समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ जब मिलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड। तो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे विनेगर का, ठीक है। विनेगर का हम पढ़ेंगे रासायनिक विक्रिया, ठीक है। तो विनेगर का हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के साथ, और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसका हम पढ़ेंगे चूनेर जल के साथ किस तरीके का रासायनिक विक्रिया होता है, ठीक है। तो बच्चों, जब भी हम बेकिंग सोडा और विनेगर को एक साथ मिलाते हैं ना, तो आपको ना एक अजीब तरीके का हिश हिश जैसा आवाज़ या फिर कुछ साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में वहाँ पे क्या होगा, बबल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना बुदबुद, बबल्स भी आपको दिखने को मिलेगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, एक नए तरीके का
पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ভিনেগার সঙ্গে বেকিং সোডা মেশালে গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার জন্য হিসের শব্দ এবং বুদবুদের সৃষ্টি হয়। ভিনেগারের এবং বেকিং সোডার মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্য পদার্থের উৎপন্ন হয়। তো এই আপকে বুক মে আচ্ছে সে দিয়া হুয়া হ্যায়, यहाँ पे देखो अच्छे से, ठीक है। तो जब भी हम विनेगर, ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो जब भी विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और भी कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं बट मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया उससे क्या बना, उससे बना कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूनेर जल, ठीक है, चूना का जो पानी होता है ना, चूना का पानी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूना का पानी के साथ मिलाएंगे ना, तो वो पानी ना एकदम दूध दूध नहीं तो सफ़ेद रंग में परिवर्तन हो जाता है वो पानी। देखो आप लोग फोटो में देख रहे हो ना, चून का पानी में कोई रंग नहीं था, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाया ना, तो उसमें वो पानी का रंग क्या हो गया, दूध की तरह हो गया, ठीक है, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद जैसा हो गया। चूनेर जलेर संगे कार्बन डाइऑक्साइड मेशाले कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रस्तुत है जा चूनेर जल के खोला करे। कार्बन डाइऑक्साइड और चूनेर जलेर साथे बिक्रियाती निम्नरूप। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया उससे बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूनेर जल, ठीक है, जो चूना पानी होता है ना, तो चूना का जो पानी होता है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम दे देंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक नया पदार्थ बनता है और उसके साथ जल भी बनता है, ठीक है, जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूनेर जल के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक नया पदार्थ बनता है और साथ में जल भी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको विनेगर का बेकिंग सोडा के साथ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का चूनेर जल के साथ जो रासायनिक बिक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से देखना इस वीडियो को।